मैं ये बता रही हूँ, जैसे यहाँ डॉक्टर निशांत करे ने बताया, ये बहुत यानी जिनने किया वो तो अक्षम में जघन्य अपराध है, वो तो नरपिशाच है, उन्हें तो आजीवन सजा मृत्यु दंड भी दिया जाए तो कम है, क्योंकि ऐसी भीषण मानव त्रासदी में वो इतना घृणित कृत्य कर रहे हैं। इस बात का दूसरी बात से कोई नाता नहीं है, नाता इतना ही है कि आम आदमी रेमडेसिविर टॉसिक की जिद ना करे, और इस जिद में चाहे जहाँ नकली चीज़ों का वो शिकार भी ना हो, नंबर एक ये भी बात है। नंबर दो, कई बार हाई डोज बहुत तकलीफ दे रहा है, मैंने भी 15 से 17 मृत्यु ऐसी देखी जो मुझे भी लगता है कि हाई डोज के कारण ही हुई। मेरे किसान संघ का नेता मोहन पांडे महू का 6 रेमडेसिविर लगे, टॉसी लगा, नहीं बचा। ये मेरा मंडल अध्यक्ष खड़ा सबसे ज्यादा झगड़ा करता है, रेमडेसिविर दिलाओ, पूछिए रोज मेरा इसके साथ खबरदार। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं, दीदी सवाल ये है, अस्पताल में दिलाएंगे, डॉक्टर लगाएगा, आप और हम नहीं देंगे किसी। सवाल ये है कि नकली इंजेक्शन से अच्छे हुए हैं मरीज, ठीक है, तो वही कहना है कि ये अच्छे हुए डॉक्टरों ने बताया इस प्रकार। भाई बताइए, डॉक्टर निशांत करे ने उल्लेख किया, वो हमारे संयोजक हैं और बहुत जिम्मेदार आदमी, स्टडी सामने आई है, स्टडी सामने आई कि भाई जी उनको कहा होगा ना कि जिनसे मिले कि भाई शिकायत कीजिए आपने किससे लिया था, तो बोले हम तो अच्छे हो गए तो हम शिकायत क्यों करें। दीदी बार बार आप मैं ये बता रही हूँ, जैसे यहाँ डॉक्टर निशांत करे ने बताया, ये बहुत यानी जिनने किया वो तो अक्षम में जघन्य अपराध है, वो तो नरपिशाच है, उन्हें तो आजीवन सजा मृत्यु दंड भी दिया जाए तो कम है, क्योंकि ऐसी भीषण मानव त्रासदी में वो इतना घृणित कृत्य कर रहे हैं। इस बात का दूसरी बात से कोई नाता नहीं है, नाता इतना ही है कि आम आदमी रेमडेसिविर टॉसिक की जिद ना करे, और इस जिद में चाहे जहाँ नकली चीज़ों का वो शिकार भी ना हो, नंबर एक ये भी बात है। नंबर दो, कई बार हाई डोज बहुत तकलीफ दे रहा है, मैंने भी 15 से 17 मृत्यु ऐसी देखी जो मुझे भी लगता है कि हाई डोज के कारण ही हुई। मेरे किसान संघ का नेता मोहन पांडे महू का 6 रेमडेसिविर लगे, टॉसी लगा, नहीं बचा। ये मेरा मंडल अध्यक्ष खड़ा सबसे ज्यादा झगड़ा करता है, रेमडेसिविर दिलाओ, पूछिए रोज मेरा इसके साथ खबरदार। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं, दीदी सवाल ये है, अस्पताल में दिलाएंगे, डॉक्टर लगाएगा, आप और हम नहीं देंगे किसी। सवाल ये है कि नकली इंजेक्शन से अच्छे हुए हैं मरीज, ठीक, तो वही कहना है कि ये अच्छे हुए डॉक्टरों ने बताया इस प्रकार। भाई बताइए, डॉक्टर निशांत करे ने उल्लेख किया, वो हमारे संयोजक हैं और बहुत जिम्मेदार आदमी, स्टडी सामने आई है, स्टडी सामने आई कि भाई जी उनको कहा होगा ना कि जिनसे मिले कि भाई शिकायत कीजिए आपने किससे लिया था, तो बोले हम तो अच्छे हो गए तो हम शिकायत क्यों करें। दीदी बार बार आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।